अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैर खैरियत ठीक ठाक। ये हमारा शेरू बच्चा और वो इसका दोस्त बैठा हुआ है। इस बेचारे को हम लोगों ने हटाया तो हमारे इस बच्चे की टांग में बहुत चोट लगी है और इस बच्चे को हम काट रहे हैं। आज अल्लाह नाम का काट देंगे इंशाल्लाह। और इसको हलाल जानवर है, अल्लाह पाक की जो मर्जी थी अल्लाह पाक ने करम किया कि ये ज़िंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन इसकी अगली दस्ती टूटने की वजह से और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी दस्ती नहीं जुड़ सकती, तो फिर हमने फैसला किया कि आज इसके हलाल कर देंगे इसे। और अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है इसका निमुल बदल इससे बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। ये टांग जो है इसकी, हालांकि दर्द भी नहीं है इसे, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये टांग का जो मसला है जानवरों की बहुत हिफाजत करें। और जानवर बेचारा बेजुबान जानवर है, इसको तकलीफ से आज़ाद करने के लिए आज इसको हलाल कर देंगे इंशाल्लाह। आज 12 तारीख छठा महीना और 2023 है, कुर्बानी में अभी तकरीबन 16-17 दिन है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे बेहतर कर देगा। ये उस बेचारे का जोड़ीदार है, इसको हम लेके जा रहे हैं छत पे और वो परेशान हो गया है और वो जाएगा कसाई के पास। तो आप उसकी मोहब्बत देखिएगा कि उसकी टांग पे बेतहाशा चोट लगी हुई है, उसके बावजूद वो इसके साथ खड़ा हो जाता है। आ जाओ आ जाओ, आगे ले जा दुकान पे। जगह सही नहीं है यहाँ पे। सही है, ओके। चला इसको थोड़ा सा, आ जाएगा आ जाएगा। या
काट दे। ये हमारे वकार भाई माशाल्लाह बकरा छीलते हुए बेहतरीन इनका हाथ चल रहा है और माशाल्लाह बकरा भी आप लोगों को कुर्बानी के लिए अगर रابطہ करना है तो वकार भाई से कीजिएगा लाजमी, इनका नंबर मैं दे दूंगा आपको। वकार भाई मज़ा आ रहा इधर आओ, क्या कह रहे हो? फौरन आ खाए बकरे को। आपका मेहमान आ जाएगा, आ जाएगा, फौरन आ जाएगा। मुझे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किसको था? मुझे मेरे अपने भूतने वाले के बकरे से प्यार था, वसीम का भी है। सही है, अभी फौरन आ खाए। नहीं अभी दे दिया मैंने, दे दिया फौरन आ खाए, मैंने दे दिया। एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा मेरे भूत। हाँ एक और आ जाएगा, एक और लेके आएगा। आ जाएगा मंडे दूसरे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को ना, कल आना चाहिए। सही है, आ जाएगा। जब नमाज होगी ना तो नमाज करके ना सीधा बकरे के पास जाएगा और बोलेगा वो जो कूदा था वो मुझे वापस दे दो। हमने बकरे की नमाज पढ़ी थी, मजा आया था। बस एक और बकरा आ जाएगा, फिर आपके लिए अल्लाह से दुआ करें। आ जाएगा अभी भाई, ये बच्चे जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। उनको बकरा जो ऊपर से गिर गया था और जो हलाल चीज थी और हमने उसे हलाल कर दिया, उनकी तकलीफ में था बेचारा। इस वजह से ये लोग बहुत परेशान है बच्चे। हालांकि छत पे अभी भी दो बड़े बकरे हैं मेरे पास, लेकिन इनके लिए एक और बकरा ले आऊंगा। इंशाल्लाह हैप्पी। चलो अल्लाह हाफिज कर दो। हैप्पी।